यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। राजाओं के राजा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदावंद पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे सारी सृष्टि यहोवा का धन्यवाद कर, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आए हम सब यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद हो प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद हो प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हो प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए, धन्यवाद हो प्रभु यीशु नाम के लिए, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई के लिए। स्तुति आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीहा के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभुला स्तुति हो त्याला, राजाओं के राजाओं को
महिमा हो त्या त्याला, महिमा हो त्या त्याला, महिमा तो येशु को, महिमा तो येशु को, राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो त्या त्याला, राजाओं के राजा को प्रभु के प्रभु को महिमा तो येशु को। अब है पूरा
यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है In the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। Thank you for joining us for this edition of Bible study. और धन्यवाद कि आप सब इस Bible study में आज हम सब के साथ शामिल हुए हो। Let us hope together we will be able to unravel some great secrets of the Lord. और हम आशा करते हैं कि आज हम परमेश्वर के वचन से कई अच्छे राज हम उसको प्रकट कर पाएंगे। Last Sunday, we went through a brief outline of all the seven feasts of Israel. पिछले संडे हमने इसराइल के जो सात पर्व है उसके विषय में कुछ बातें जानी। We saw that they were the feasts of the Lord. हमने ये जाना कि ये परमेश्वर के पर्व है। And we also saw how significant it was to celebrate the feast of trumpets. और ये हमने जाना कि जो नरसिंगे का पर्व जो है वो कितना महत्व का है हमारे लिए कि हम उसको मनाएं। Today, as a part of our Bible study, आज हमारे बाइबल स्टडी का एक हिस्सा बोलकर, we will study the Day of Atonement, which comes 10 days after the Feast of Trumpets. हम जो प्रायश्चित का दिन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो 10 दिन के बाद आता है, उस तुरही के पर्व के बाद. The Feast of Atonement. जो प्रायश्चित का पर्व है. It's really a day to commemorate the atonement made by the high priest of Israel. ये सच में वो दिन है कि हम उसे याद करें जो इस्राएल के जो मुख्य याजक है महायाजक है उन्होंने जो प्रायश्चित किया. For the atonement of the sins of Israel. कि जो प्रायश्चित उन्होंने किया इस्राएली लोगों के सारे पापों के लिए. Let's start from the beginning. आओ हम शुरुआत से इसको देखें. When the Lord told Moses after the death of the two sons of Aaron who died when they approached the Lord, the Lord said to Moses, tell your brother Aaron
not to come whenever he chooses into the most holy place, behind the curtain, in front of the atonement cover, on the ark, or else he will die, because I appear in the cloud over the atonement cover. This is how Aaron is to enter the sanctuary area, with a young bull for a sin offering and a ram for a burnt offering. He is to put on the sacred linen tunic with linen undergarments next to his body. He is to tie the linen sash around him and put on the linen turban. These are sacred garments. So he must bathe himself with water before he puts them on. From the Israelite community, he is to take two male goats for a sin offering and a ram for a burnt offering. When the Lord told Moses, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, to give instructions, कि वो सूचनाएं दे, it happened as an outcome of Aaron's sons being killed. ये इस बात का नतीजा था जब अहरोन के दोनों पुत्र वो मारे गए. Aaron was the high priest. जो अहरोन था, हारून वो मुख्य याजक था, महायाजक था. And he had two sons. और उसके दो पुत्र थे. Abihu and Nadab. Abihu और Nadab. And because they presented a strange fire. और क्योंकि उन्होंने एक अलग प्रकार की, अलग किस्म की अग्नि वहाँ पर लेकर आए वो. They presented it before the Lord. उन्होंने उसको पेश किया परमेश्वर के सामने. It angered the Lord and he struck them dead. और वो बात से परमेश्वर क्रोधित हुआ, परमेश्वर ने उनको वहाँ ही मार गिराया. And he instructs Moses. और परमेश्वर यहाँ पर मूसा को ये इत्तला करता है, उसको सूचनाएं देता है. Tell your brother Aaron not to come into the presence of the Lord anytime he chooses. कि परमेश्वर के सम्मुख अपने भाई को, अपने भाई हारून को तू ये बता कि परमेश्वर के सम्मुख जब उसका मन करे तब वो ना आए. Because he will die as I appear in the cloud over the atonement cover. क्योंकि वो वैसे मर सकता है, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई देता हूँ. Now that was something serious. अब ये कोई बड़ी गंभीर बात थी. See, God was trying to make a community. परमेश्वर एक समाज स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. That would obey him for who he was and respect him for what he said. कि वो ऐसे समाज की वो स्थापना करना चाहता था कि जो उसका सम्मान करे, कि वो जो है उसके लिए और वो जो करता है उसके लिए वो उसकी आज्ञा पालन करे. And further we find that Moses gives instructions as to how Aaron was to enter into the sanctuary. और इसके वचन के आगे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मूसा को ये सारी सूचनाएं देता है कि हारून ने किस प्रकार उस जगह पर जाना है और अर्पण के विषय में कार्य करना है. So he tells him, तो उसे कहता है, that he was to present a young bull for a sin offering for himself. तो उसने एक बछड़े को लेना है पाप बलि के तौर पर अपने आप के लिए. And a ram for a burnt offering. और एक मेढ़े को लेना है होम अर्पण के लिए. Then he is expected to dress in the sacred garments of the high priest. और फिर ऐसी उम्मीद की जाती है कि उसने वो जो विशेष वस्त्र होते या अंग रखा होता है मुख्य याजक का, उसके प्रकार से उसने अपने आप को पहनावा देना है. And he is to offer the blood of this bull. और उसने उस बछड़े का लहू वहां पर बलिदान करना है. He is to enter into the most holy place and offer the blood of the bull. And that was to cover his own sins. और ये इसलिए था कि वो उस चीज से अपने खुद के पापों को उसका वो प्रायश्चित कर पाए. And after that, और उसके बाद, he was to take two goats. उसके बाद उसने दो बकरे लेने हैं. He was to take two goats and one of them was to be sacrificed to the Lord and the other was to be for the atonement of the sins of Israel. एक बकरा परमेश्वर के लिए वो बलिदान किया जाना था और दूसरा बकरा जो है वो इसराइल के सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाना था. So what was done was that the live goat was presented before the Lord. तो ऐसे किया जाता था कि जो जीवित बकरा है उसको परमेश्वर के सामने पेश किया जाता. And all the sins of Israel were confessed on his head. और सारे इसराइल के जितने भी पाप है वो उसके सर पर हाथ रखकर कबूल किए जाते हैं. And he was sent away into the wilderness. और उसको जंगल में ऐसे छोड़ा जाता था. Where it says where no man inhabited. कि जहाँ पर कोई मनुष्य वहाँ पर रहता नहीं था. And of course
the goat that was for the Lord, और वो जो बकरा जो परमेश्वर के लिए है, that goat was sacrificed and its blood was sprinkled upon the mercy seat. और जो बकरा परमेश्वर के लिए उसका बलिदान किया जाता और उसका जो लहू है वो प्रायश्चित के ढकने पर उसको लहू को छिड़काते थे. We're going to see now how this ancient feast was fulfilled by Christ himself in the New Testament. और हम आप देखेंगे ये जो प्राचीन पर्व जो है जो मनाया जाता था इसराइल में किस प्रकार यीशु मसीह के अंदर नए नियम के अनुसार उसको पूरा किया गया. In fact, the plan for redemption was made even before the foundations of the earth were established. कि अगर सच में देखा जाए कि इस पृथ्वी की बुनियाद रचने के पहले ही परमेश्वर ने छुटकारे का कार्य उसको पहले से रचा हुआ था. In the book of Revelations, chapter 13, verse 8. प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय और 18वें वचन में. A part of that verse says, "The Lamb that was slain even before the foundations of the earth." कि वहाँ पर उस वचन का एक हिस्सा कहता है कि जो मेमना जिसको मारा गया, जबकि पृथ्वी की बुनियाद रचने के पहले ही. And then in the New Testament, we find that when Jesus comes to be baptized by John the Baptist. और नए नियम में हम देखते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आते हैं योहान बपतिस्मा करने वाले से. John looks at him and says, "Behold the Lamb of God who taketh away the sins of the world." तो योहन्ना यीशु मसीह के पास देखकर कहता है कि देखिए परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप को हटाता है. So we have established the fact that the Lamb was really Jesus. तो हमने ये बात यहाँ पर सिद्ध पाई है कि वो मेमना कोई और नहीं लेकिन यीशु मसीह ही है. And now we will see that how the priest is Jesus himself. और अब हम देखेंगे कि वो याजक कैसे यीशु मसीह स्वयं है. In the Old Testament, the priest used to sprinkle the blood of the goat. कि हम पुराने नियम में देख सकते हैं जो याजक है वो जो बकरे का लहू है उसको छिड़कते थे. And here in the New Testament, we find that Jesus is going up to the tabernacle in heaven to sprinkle his own blood. और यहाँ पर हम नए नियम में देख सकते हैं कि यीशु मसीह उस जो स्वर्ग में जो मंडप है वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर लहू छिड़कने जा रहे हैं. In the book of Hebrews, it already tells us that Jesus is our high priest. और इब्रानियों की किताब में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह हमारे मुख्य और महायाजक है. If you remember, after his resurrection, Jesus appeared to Mary. अगर हम याद करें कि उनके पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह मरियम के सामने प्रकट हुए. And Mary looked at him, assuming him to be the gardener. और मरियम ने ये सोचा जब वो प्रकट हुए उनके सामने कि शायद ये कोई माली है. And when she realized that this was her rabbi. और जब उनको ये एहसास हुआ कि ये तो कोई और नहीं लेकिन उनके खुद के गुरुजी है. She must have run. तो वो दौड़ी होगी. But Jesus tells her, "Do not touch me, because I haven't ascended to my Father." लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मुझे अभी स्पर्श मत करना क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास गया नहीं हूँ. So do you realize that here the high priest is going up to the tabernacle in heaven to present himself? तो क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इस कहानी में इस बात में इस घटना में जो मुख्य याजक है वो जा रहा है स्वर्ग में वो अपने आप को पेश करने परमेश्वर के सामने. We'll read it from the book of Hebrews, chapter 9, verse 24. हम इब्रानियों की किताब की ओर जाएंगे, जिसका 9वां अध्याय. For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. इब्रानियों का 9वां अध्याय और 24वां वचन, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे. So now do you realize that Jesus was the sacrifice and Jesus was the priest? तो अब हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह ही वो अर्पण है और यीशु मसीह ही वो याजक है. So now let's see how the sacrifice that Jesus made was a superior sacrifice than the one that was made in the Old Testament. तो हम अब देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने जो अर्पण किया वो काफी उच्च दर्जे का अर्पण था उसके तुलना में जो अर्पण पुराने नियम में किया जाता. You find again in the book of Hebrews it says that
Jesus made that sacrifice once and for all. हम इब्रानी की किताब में इस बात को देख सकते कि वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने एक बार और हमेशा के लिए वो एक अर्पण कर दिया. Unlike the high priest who came year after year on the day of atonement to make the sacrifice. लेकिन वैसे नहीं कि प्रायश्चित के दिन पर पुराने नियम में हम देख सकते कि जो याजक है वो प्रायश्चित के दिन पर हर साल वहाँ पर एक प्रायश्चित का अर्पण बहाने आते. We also see that Jesus himself took on the purpose for the two goats that were presented in the tabernacle in the Old Testament. और पुराने नियम में जो मंडप के अंदर जो दो बकरे लेकर आते थे उनका जो मकसद था यीशु मसीह ने खुद से उस मकसद को पूरा किया और पेश किया हम सब के लिए. If you remember, Pontius Pilate was presented with two people. अगर हमें याद होगा तो पिलात जो है उसके सामने दो लोग पेश किए जाते थे. One was Jesus, उस समय यीशु मसीह को पेश किया गया. And the other one was a man called Barabba. और दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम था बरब्बा. We know Jesus was the son of God. हम जानते कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है. And Barabba, the name says that the word Barabba means the son of God. और बरब्बा इस शब्द का नाम है परमेश्वर का पुत्र. The Old Testament said that the two goats had to be male and they had to be of equal value. और पुराने नियम में ऐसा बताया था कि जो दो बकरे हैं वो नर हो और उनका मोल एक समान हो. They were both the sons of God. वो दोनों परमेश्वर के पुत्र थे. But the sinless one was presented to be sacrificed and the sinful one, that is Barabba, was released to go free. लेकिन जो निर्दोष था उसको परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए पेश किया जाता और जो पाप में था उसको वहां पर खुला छोड़ दिया जाता था. We saw that Jesus went up to heaven and sprinkled his own blood. और हम देख सकते कि यीशु मसीह स्वर्ग में गए और उन्होंने अपना लहू वहां पर छिड़का. And had to come back down to earth to tell mankind that their sins had been atoned for. और उनको वापस पृथ्वी पर आकर लौटाना पड़ा ये मनुष्य जाति को बताने के लिए कि उनके पापों की अब क्षमा कर दी गई है, माफी कर दी गई है. Remember, in the Old Testament, the high priest would go inside, sprinkle the blood of the lamb, and come out telling Israel that their sins were forgiven. कि ये याद करते हुए कि पुराने नियम में जो महायाजक है वो अर्पण करते बाहर आकर फिर वो इसराइल के पूरे समुदाय और सारे लोगों से ये कहते कि उनके पापों की अब माफी कर दी गई है. So the atonement had been full and final. तो जो प्रायश्चित है उसको पूरी तरह से पूरा कर दिया गया था. So it was a perfect sacrifice. तो अब ये परिपूर्ण अर्पण हुआ. And here we find और यहाँ पर हम देख सकते हैं that this day of atonement ये जो प्रायश्चित का दिन है commemorates even this sacrifice that Jesus made. ये हमें याद दिलाता है उस अर्पण के बारे में जो यीशु मसीह ने बहाया. This is why we as the Church of Christ commemorate this day of atonement. और यही वजह है जिसके लिए हम जो परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया है हम याद करते हैं और हम मनाते हैं इस दिन को जो प्रायश्चित का दिन है. See, every feast unlocked a blessing for our church. हर एक जो पर्व है उसने एक प्रकार के आशीष को खुला कर दिया, आजाद कर दिया कलीसिया के लिए. Today we will focus on the feast of atonement. आज हम अपना ध्यान प्रायश्चित के पर्व पर लगाएंगे. We find that it has unlocked for us forgiveness. हम ये देख सकते कि हमारे लिए माफी का कार्य खुला कर दिया गया, आजाद कर दिया गया इस पर्व से. When atonement had been made, जब प्रायश्चित किया गया, Jesus came back to tell mankind that God the Father had accepted his sacrifice. यीशु मसीह आए मनुष्य जाति को यह बताने के लिए कि जो परमेश्वर जो पिता है उसने इस अर्पण को ग्रहण किया है. And the blessing that we have got is forgiveness. और जो आशीष हमें मिली है वो कुछ और नहीं लेकिन वो है माफी. Once again taking you back to the Old Testament, at the time of this ritual of atonement, और फिर एक बार आपको पुराने नियम की ओर लेकर जाकर जहां पर एक ऐसी परंपरा थी जहां पर प्रायश्चित का कार्य किया जाता. All Israel was expected to fast and deny themselves, standing outside waiting
for the high priest to come out and tell them that their sins were forgiven. कि समस्त इस्राएल से ये उम्मीद की जाती कि वो बाहर ही प्रतीक्षा करे और इंतजार करे और उपवास करे और बात जो है उस याजक की कि वो याजक अर्पण बहाकर बाहर आकर उनसे वो बात करे. Here we find today as we commemorate this feast. यहाँ पर हम देख सकते कि आज जब हम इस पर्व को याद करते और इसको मनाते हैं. We also need to repent. कि हमने भी अपश्चाताप करना है. Because without us realizing that a price has been paid, this feast cannot be validated. क्योंकि यदि तब तक हम इस बात को एहसास नहीं करते कि हमारे लिए वो कीमत चुकाई गई है, इस पर्व को पूरा और सही ढंग से हम स्मरण नहीं कर पाएंगे और मना नहीं पाएंगे. We not only need to repent for our own sins. हमें केवल अपने खुद के पापों के लिए पश्चाताप नहीं करना है. But we also need to understand and express our understanding of what price was paid by Christ for the atonement of our sin. और हमें बस प्रायश्चित नहीं करना है, पश्चाताप नहीं करना है, लेकिन हमें इस बात को भी कबूल करना है, समझना है और एतबार करना है कि जिस प्रकार की कीमत इस प्रायश्चित के दिन पर हमारे माफी के लिए चुकाई गई. See, when Jesus paid the price, he paid the price for all our sins, past, present, future. देखा जाए कि जब यीशु मसीह ने कीमत चुकाई तो यीशु मसीह ने हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल हर एक पापों के लिए कीमत चुकाई. But that doesn't leave us scot free. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम खुले हो गए और हम कुछ भी करें. Yes, we cannot afford to do whatever we like. जो हमें पसंद है हम वो करें, ऐसा नहीं हो सकता. We need to repent for the things that we do wrong. हमने पश्चाताप करना है उन हर एक बातों के लिए जो हमने गलत की है. And realize the cost that was paid for the atonement of that. और ये एहसास करना है कि उस बात की प्रायश्चित के लिए कैसी और कितनी बड़ी कीमत चुकाई. And that alone will make this feast true in our lives today. और केवल वही बात है जो इस पर्व को हमारे जीवन में हकीकत और सच्चाई में तब्दील कर देगी. I want to tell you a little story. मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहती हूँ. There was this young lady who was driving down in her car. एक औरत थी, वो अपनी कार चला रही थी. And she was rammed in by another car. और ऐसा हुआ कि दूसरी गाड़ी ने आकर उसकी गाड़ी को टक्कर दी. And the accident was pretty severe. और जो दुर्घटना हुई वो काफी गंभीर हुई दुर्घटना. In which the young lady lost her life. जिसमें वो जो औरत थी उसने अपनी जान गवा दी. Well, the young man who had rammed his car into her car was picked up. He was put into custody. और जिस आदमी की गलती से जिसने अपनी गाड़ी ठोक दी सामने वाली उस लड़की की गाड़ी को, उसको हिरासत में लिया गया. The father of this young lady went up to see this young man. ये जो लड़की का जो पिता था, ये उस लड़के को देखने गया वहाँ. He looked at him and paid a very heavy price to bail him out of the prison. उसने उस लड़के को देखा और बहुत बड़ी कीमत चुकाई उसको बेल कराने और उसको उस जेल से बाहर निकालने. When the boy came out, he looked at the father and said, "Why did you do that?" जब वो लड़का अपराधी बाहर आया तो उसने देखा उस लड़की के पिता को और कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? I have snatched away your daughter's life and I have caused you so much of pain. मैंने तो आपके बेटी की जान ले ली और मैंने आपको इतना दुख और तकलीफ दिया है. Surely I deserve a punishment. सच में मैं इस सजा के काबिल हूँ. But the father looked at the young man and said. लेकिन उस पिता ने उस युवा लड़के को देखा और कहा. Your punishment is to live the rest of your life as my son. अब तेरी सजा यही है कि तू अपना पूरा जीवन मेरा पुत्र बनकर जिएगा. The point of the story is. इस कहानी का मुद्दा बस ये है कि. Yes, we have wronged the Lord. कि हाँ, हमने परमेश्वर के खिलाफ काफी गलतियां की है. Yes, we deserve punishment. हाँ, हम सजा के हकदार है. But Jesus has paid that price. लेकिन यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई है. He paid a very hefty price. यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है. And now it is for us to live as his sons and daughters. और ये अब हम पर है कि हम उसके पुत्र और बेटे और बेटियां बोलकर हम जिए उसके लिए.
The father had paid a big price when he sent his son on the face of the earth. पिता ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई जब उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा. Yes, we need to realize that. हम सब ने आज उस बात को समझना है और एहसास करना है उसे. Yes, we need to commemorate this day of atonement by realizing the cost. हमने आज इस प्रायश्चित के दिन पर इस बात को स्मरण करना है कि कितनी बड़ी वो कीमत चुकाई गई है. In the fulfillment of time, कि समय की पूर्णता में God has revealed his son to us. परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया है हम सबको. And today, और आज the Holy Spirit is there to convict us. पवित्र आत्मा है हमारे साथ जो हमें उस बात की एहसास दिलाएगा और हमको यकीन दिलाएगा. So shall we not respond to the Spirit of God? को क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर का आत्मा जो है उसके प्रति हम जवाब दे. And celebrate the finished work of Christ. और हम इस यीशु मसीह के अंदर जो कार्य है जिसकी पूर्णता हुई है उस बात को आज हम मनाएं. I hope you have understood what this day of atonement really means to us. और मुझे आशा है कि आप सबको समझ आया है कि ये जो प्रायश्चित का दिन है ये सब हम सब के लिए कितना और क्या मायने रखता है. Shall we bow our heads in prayer? आओ हम प्रार्थना करें. Father, how we thank you for this time that you gave us to spend reading through your word and understanding it. पिता धन्यवाद प्रभु आपने जो समय हमें दिया कि हम आपके इस वचन से पढ़े प्रभु और समझे प्रभु जो आपने हमारे लिए किया है और बताया है. Help us, Father, to recognize the great price that you have paid. प्रभु हमें सहायता करना कि हम पहचान पाए जो बड़ी कीमत प्रभु जो चुकाई है प्रभु हमारे लिए. Help us also to repent for what we have done. और प्रभु हमें मदद करना कि हम पश्चाताप भी कर पाए प्रभु जो बातें हमने की है. And henceforward live as sons of this great God. और आगे जाकर हम इस महान परमेश्वर के पुत्र बोलकर जिए. This great God who we call our Father. ये महान परमेश्वर जिसे हम कहते हैं हमारा अब्बा पिता. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. For this beautiful love that you have showered upon us. ये खूबसूरत प्रेम प्रभु जो आपने न्योछावर किया प्रभु हम सब पर. We are not worthy of it. प्रभु हम इसकी योग्यता के नहीं है. But your love wraps us to make us understand that you have called us to be your sons. लेकिन प्रभु ये आपका लहू है जो हमें पूरी तरह से ढाक लेता है प्रभु और ढाल लेता है और हमको आपके पुत्र और संतान बनाता है. Thanking you once again, we pray in Jesus' name. फिर एक बार प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन. Thank you.